अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से हम तो खैरियत से हैं। आज की रेसिपी के बारे में बेटा लो आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बटर चिकन। ये बहुत यूनिक बनता है, अगर आप रेस्टोरेंट जैसे फील चाहते हैं हमारी रेसिपी से बनाइएगा। चलिए अपने चिकन टिक्के की इसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप दही। हमने इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया है, बिल्कुल हमने इसको कपड़े के अंदर छान के रख लिया था। और 1/2 कप डालेंगे हम इसके अंदर क्रीम। 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट, और 1 ही चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट। हमने होममेड चिकन टिक्का मसाला रेडी किया है। अब 1 चम्मच इसके अंदर हम होममेड चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे हमारे चिकन टिक्का का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत क्रीमी क्रीमी सा हो जाता है। एक चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्ची का पेस्ट। हमने इसका पेस्ट बना लिया है। और ये आधा नींबू निचोड़ के डालेंगे हम इसके अंदर। एक चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर ऑयल, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने चिकन को ऐड करेंगे। हमारा 1 kg बोनलेस चिकन है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। आपका चिकन भी बहुत लाजवाब बनेगा। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये ऑफिशियली है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा सा कलर चाहिए तो आप इसके अंदर फूड कलर ऐड करें। अगर आपको कलर नहीं पसंद है, आपको प्लेन चाहिए, तो आप फूड कलर नहीं ऐड करिए। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर डालने से इसके अंदर बहुत अच्छा कलर आ जाता है। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को रखे हुए। अब हम इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। अपना बटर अभी गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे चिकन। इसको एक एक कर ऐसे ही कढ़ाई में लगा देना है। ये बिना ओवन के बिना तंदूर के कढ़ाई में बहुत अच्छा बनता है। चाहे तो आप इतने तंदूर हो तो आप इसको तंदूर में भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम इसको पूरा पूरा फिल कर लेंगे।
और इसको हम ढककर पकाएंगे। हमारे चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप इसको बीच बीच में चेक करते रहिए क्योंकि ये नीचे से जल भी जाएगा। आप इसकी बूटियों को ऐसे ही पलट पलट कर देखते रहिए। इसी तरह से जो आपको लगे कि ये बूटी नीचे से पक चुकी है, आप उसको पलट कर दूसरी साइड से भी पका लीजिए। इसी तरह से आप इसको ऐसे ही करते रहिए। अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उनको सर्व कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगेगा उन्हें। इसी तरह से आपको ऐसे ही पकाना है। और अब हम इसकी लीड लगा देते हैं। चिकन को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका लीड हटा कर देख लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। मम्मी इसकी बोटी दिखाइए ना, गली हुई बोटी। बोटी भी हमारी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। हमने चारकोल को चूल्हे पर गर्म कर लिया है। अब हम इसको एक कटोरी में डाल लेते हैं। हमारे अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम अपना बटर डालेंगे और इसकी लीड लगा देंगे। इसके अंदर स्मोक बन जाएगा और इससे फ्लेवर हमारा इन्हेंस होकर आएगा इस चिकन का। देखिए इसके अंदर से बहुत अच्छा स्मोक बन चुका है। अब हम इसको अपनी सर्विंग डिश में रख लेते हैं। इसको अपना पूरा ऐसे ही डालेंगे हम इसके अंदर। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। हमने 1/2 किलो दही लिए, इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इसके अंदर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हमारी ये मिक्स हो चुकी है। अब हम अपने चिकन के अंदर इस दही को ऐड करेंगे। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दही डालेंगे। और थोड़ा सा हम इसके अंदर बटर डालेंगे। हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सास बहू कुकिंग रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब अब मिलते हैं नई रेसिपी में। बाय बाय।